नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। हर व्यक्ति का कोई न कोई शत्रु जरूर होता है। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष शत्रु का मतलब जो आपके सामने से वार करता है, और अप्रत्यक्ष शत्रु का मतलब जो आपकी पीठ के पीछे से वार करता है। दोस्तों, किस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जान सकते। पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि शत्रु हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इनसे बचने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, इनसे आपके शत्रुओं का विनाश होगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बात को समझना नहीं चाहते। छोटी छोटी बातें ही शत्रुता में उत्पन्न हो जाती हैं। इसका उपाय ये है कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी कभी शत्रुता नहीं होगी। ईश्वर पर यकीन रखें, सकारात्मक सोचें और ईश्वर का नाम लेते रहें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।